नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले के अस्पताल में परिजनों से मिलने जा रहे दो भाइयों को लेकर बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है। पता चला है कि ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट कार सामने से आ रही ट्रेलर में जा घुसी और इस घटना के बाद पीछे से आ रही स्कॉर्पियो कार भी इस कार में जा भिड़ी है। बताया जा रहा है कि मौके पर ही दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक युवती का इलाज चल रहा है। पूरा मामला राजस्थान के बाड़मेर जिले के इलाके में सदर इलाके का दोपहर का बताया जा रहा है और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। सीआई किशन सिंह ने बताया कि बाड़मेर में नेशनल हाईवे 68 की यह पूरी घटना है और स्विफ्ट कार है जो धोरी मन्ना की तरफ जा रही थी। इस घटना में स्विफ्ट कार पूरी तरह से पिचक गई है और अंदर बैठे तीन जने रह गए थे। कुर्जा निवासी अशोक 21 वर्षीय और उसके चचेरे भाई मनोज 22 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अशोक की पत्नी संतोष का इलाज चल रहा है और पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद लंबे जाम को भी खुलवाया है। अशोक के बड़े भाई रूपाराम की पत्नी की डिलीवरी होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थी और अशोक अपनी पत्नी संतोष और चचेरे भाई मनोज के साथ सुबह बाढ़ में अस्पताल गए हुए थे। इसके बाद दोपहर वे मिलकर वापस अपने गांव कुर्जा लौट रहे थे, लेकिन ट्रेलर से इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मौके पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था और इस घटना की सूचना के बाद परिवार सहित पूरे गांव में गम का माहौल है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।